हाँ, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे अपन, और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए अपन ने ये फॉर्मूला लिया था। इसमें अपन ने फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी HIS रिडक्शन, और HIS से जब रिडक्शन कराते हैं तो अपन ने कहा था कि ग्लूकोज क्या बनाता है, एनहेक्सेन बनाता है, ठीक है। ये अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी इसकी। एक अपन ने कहा था कि एक अपन ने रिएक्शन कराई थी किससे, HCl से, और किससे, हाइड्रोक्सिलेमीन से। यहाँ अपने पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, ग्लूकोज का क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। एक तो ये दोनों रिएक्शन बताती थी कि ग्लूकोज में, ये रिएक्शन तो बताती है ग्लूकोज में सिक्स कार्बन स्ट्रेट चेन में, और ये जो रिएक्शन है वो बताती थी कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन ग्रुप, दोनों रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपन ने बात की थी किससे, ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल से जब अपन ने ऑक्सीडेशन कराया तो अपने पास क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड बना था, और ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिक ग्रुप है वो किस फॉर्म में, एल्डिहाइड की फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की नेक्स्ट रिएक्शन कराने के लिए अपन ले रहे हैं एसेटिक एनहाइड्राइड, और एसेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं अपन तो ग्लूकोज पेंटासिटेट बनता है। कैसे बनता है, ये एच 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 की जगह कौन समूह प्रवेश कर जाएगा, एसिटाइल समूह, तो एसिटिकरण वाला रिएक्शन है अपने पास। जैसे अपन रिएक्शन करते हैं तो ये CHO CHO COCH3, ये ग्रुप एंटर हो गया ग्लूकोज में, CHO COCH3 ये ग्रुप एंटर हो गया ग्लूकोज में, और CH2O COCH3 ग्रुप एंटर हो गया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज पेंटासिटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और ग्लूकोज पेंटासिटेट का बनना एक महत्वपूर्ण बात बताता है। ये रिएक्शन ये बताती है कि सर ग्लूकोज में पांच OH समूह प्रेजेंट है। क्या बताती है कि सर ग्लूकोज में क्या है, पांच OH समूह क्या है, प्रेजेंट है। एक और रिएक्शन की बात करें अपन तो ग्लूकोज की बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन मानी जाती है, कंसेंट्रेट HNO3 से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो कंसेंट्रेट HNO3 से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, और ये ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ये CHOH का होल थ्राइज और COOH अपने पास एक महत्वपूर्ण एसिड बनता है, और इस महत्वपूर्ण एसिड को कहा जाता है सैकेरिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको, सैकेरिक एसिड, ठीक है। अगर ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, लेकिन कंसेंट्रेटेड एसिड से कराया तो क्या बनता है, अपने पास सैकेरिक एसिड बनता है। ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन बताती है साहब ग्लूकोज में कार्बन ग्रुप में किसके रूप में, एल्डिहाइड के रूप में, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ये वाली रिएक्शन ये बताती है साहब ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, CWH में, एल्डिहाइड था वो CWH चेंज हो गया, लेकिन एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है जो क्या है, किसमें कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन कराने पर, CWH में। तो ये ग्लूकोज की रिएक्शन है जो अपन को महत्वपूर्ण बात बताती है, और इसी के आधार पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे दी गई, इनसे आधार पे ये बताती है 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में, ये बताती है साहब कार्बन समूह, और ये बताती है कि वो कार्बन समूह एल्डिहाइड के रूप में, ये बताती है कि साहब 5 OH, और ये बताती है कि साहब ग्लूकोज में एक प्राइमरी 5 OH में से एक जो OH ग्रुप है वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये अपने पास हो गई ये ग्लूकोज की रिएक्शन है। ग्लूकोज की और भी अपने पास रिएक्शन है जो भी अपन देखते हैं, पहले एक रिएक्शन और बताए ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की ये जो रिएक्शन है बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन मानी जाती है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कर सकता है, कैसे करता है उसकी बात करें कि जी अपने पास CHOH का होल थ्राइज देन CH2OH, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की रिएक्शन कराए अपन किससे, फिनाइल हाइड्रोजन से। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है C6H5NHNH2, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, ये वाटर बाहर निकल जाता है अपने पास और हाइड्रोजन बन जाता है अपने पास, फेनिल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड NH C6H5, ये अपने पास CHOH का होल थ्राइज एंड CH2OH, ठीक है। ये एक अणु अभिक्रिया कर चुका फेनिल हाइड्रोजन का, दूसरा अणु फिर क्या करता है, अभिक्रिया करता है फेनिल हाइड्रोजन का, वो कैसे करता है वो देखें, ये C6H5
NH NH2, ठीक है। ये कंपाउंड ब्रेक होगा, ब्रेक होकर एक एस तो इसके पास चला जाएगा, ये NH3 में कन्वर्ट जाएगा, एक एच इसके पास चला जाएगा, एन एल में कन्वर्ट, यानी कि साइड प्रोडक्ट क्या निकले, साइड प्रोडक्ट निकला है C6H5NH2NL एंड प्लस NH3। कहने का मतलब दूसरा अणु जब क्रिया करता है तो एल्कोहलिक ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ये आपके पास सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच सी सिक्स एच फाइव, ये कार्बोनिक ग्रुप में डेवलप हो गया अपने पास सी एच ओ एच का होल थ्राई। तो दो अणु अभिक्रिया कर चुके फेनिल हाइड्रोजन का, पहले ने की तो हाइड्रोजन बन गया, दूसरे ने की तो अपने पास ये जो एल्कोहलिक ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोनिक ग्रुप। अब तीसरा अणु क्या करता है, विक्रिया करता है किसका, फेनिल हाइड्रोजन का C6H5NHNH2। अभिक्रिया वैसे होगी जैसे पहले ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, क्या बाहर निकल गया अपने पास वाटर, अपने पास बन क्या गया CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, नेक्स्ट अपने पास C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइज CH2 OH। तो ये ग्लूकोज ने फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन की और रिएक्शन करके इसने क्या बना दिया, ओसाजोन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज जो होता है वो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज का है तो ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन होता है, फ्रक्टोज भी करता है तो फ्रक्टासोजोन कह देते हैं। तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है, ठीक है। एक और रिएक्शन की बात कर सकते हैं अपन, और वो रिएक्शन है अपने पास NaOH से, ठीक है। NaOH से भी ग्लूकोज रिएक्शन करता है, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया कहलाती होगी। जैसे ग्लूकोज की बात करें अपन, ग्लूकोज को सांद्र NaOH के साथ गर्म करें अपन, तो ये ग्लूकोज अपने पास CHOH CHOH का होल थ्राइड CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, और ग्लूकोज को जब सांद्र HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो देखें आप बनता क्या है, उसकी बात करते हैं। NaOH से अभिक्रिया होती है, तो NaOH से अभिक्रिया होने पर एक कंपाउंड बनता है मेरे पास, और वो है क्या, CHO COH H CHOH का होल थ्राइड CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज NaOH से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको अपन कहते हैं डीमेनोस, क्या बोलते हैं डीमेनोस, ठीक है। एक और कंपाउंड बनता है साथ में, ठीक है, वो कैसा बनेगा उसकी बात करें अपन, CH2OH COO CO CHOH का होल थ्राइड और CH2OH है क्या ये, तो ये फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज को इन्हें के साथ गर्म करने पर अपने पास तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ग्लूकोज भी होता है, मेनोज भी होता है, और क्या होता है, फ्रक्टोज भी होता है, तीनों का साम्य रहता है, और तीनों अपने पास प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। और ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसका नाम होता है लोबरी डी ब्राइन आंकस्टान रीअरेंजमेंट, ठीक है, लोबरी डिवाइन पुनर्विन्यास रिएक्शन ये कहलाती है, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। डी ग्लूकोज डी मेनोज और डी फ्रक्टोज अपन को ये मिलता है, ठीक है। एक बात करें साहब, टेस्ट भी चलता है साहब, ग्लूकोज का टेस्ट करें तो जो भी कार्बोहाइड्रेट हो उसका क्या किया जाता है, मोलिस टेस्ट किया जाता है। और मोलिस टेस्ट में करते क्या है अपन, कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उस कार्बोहाइड्रेट और फिनोल पदार्थ के साथ जल में घोल कर परिक्रमण दीवार के सहारे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट चाहे ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट को फिनोलिक पदार्थ के साथ जल में क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में लेकर इस परिक्रमणीय की दीवार के सारे अपन के डालते हैं, सांद्र H2SO4 डालते हैं। जैसे आप सांद्र H2SO4 डालते हैं तो एक ब्राउन कलर की रिंग क्या हो जाती है, दोनों विलयनों के इंटरफेस पे बन जाती है। अगर ये रिंग बन जाती है तो अपन कहते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट का मोलिस टेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की और विन्यास, ठीक है। कहा जाता है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 था, ये जो अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इस केमिकल प्रॉपर्टीज से ग्लूकोज में चार असममित कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ये यू कहेंगे केरल कार्बन होते हैं,
और 4 एक्रिल कार्बन होने के कारण इसके 16 आइसोमर बन सकते हैं, और इस 16 आइसोमर में से एक आइसोमर जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की थी वो ये है, CHOHCOH, तीसरे कार्बन पर OH इधर और H इधर, बाकी फाइव में HOH HOH CH2OH। ये जो एक आइसोमर है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहे हैं आपको इसमें, और 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं इस कारण इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 16 और 1 विल बी डी ग्लूकोज। इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ग्लूकोज के आगे पॉजिटिव लगा जाता है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो प्लेन पोलराइज डाइट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट मीन्स ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अच्छा, इसको डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं, तो इसका भी एक अपने पास नोमेनक्लेचर होता है, डी एल नोमेनक्लेचर जो अपन पढ़ते हैं। और डी एल नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो ग्लिसरेल्डिहाइड कंपाउंड होता है। कहा जाता है कि ग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, और एक एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण इसके दो आइसोमर्स बनते हैं। एक आइसोमर तो ये बना दिया, दूसरे आइसोमर में मैंने OH को इस साइड लिख दिया और H को इस साइड लिख दिया। तो डीएल नोमेनक्लेचर में ये पेरेंट कंपाउंड था ग्लिसरेल्डिहाइड जो लिया गया था, और स्वैच्छिक रूप से ये माना गया कि ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इस ग्लिसरेल्डिहाइड का जो विन्यास होगा कॉन्फ्यूजन वो क्या होगा, कैपिटल डी, और इस ग्लिसरेल्डिहाइड का जो विन्यास माना गया वो क्या कहा गया है, एल। डीएल जो नोमेनक्लेचर एक रिलेटिव कॉन्फिगरेशन का मेथड है जिसमें किसी को आधार मानकर दूसरे का विन्यास दिया जाता है। तो आधार किसे माना गया है, ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड का ये जो फॉर्म है प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड, इसको क्या कहा गया, डी, और ये जो माइनस फॉर्म है इसको क्या कहा गया, एल ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जो डी ग्लिसरेल्डिहाइड से बनाया जा सकता हो, डी ग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज किया जा सकता हो, या डी ग्लिसरेल्डिहाइड से प्राप्त किया जाता हो, या डी ग्लिसरेल्डिहाइड जैसा हो, उस कंपाउंड का विन्यास भी क्या होगा, डी होगा। अगर आप डी से बना रहे हैं, डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या डी जैसा है, तो उसका विन्यास भी क्या माना जाएगा, डी। अगर आप उसको एल ग्लिसरेल्डिहाइड से बना रहे हैं, या एल डी ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या वो एल ग्लिसरेल्डिहाइड जैसा है, तो उसका विन्यास भी क्या माना जाएगा, एल। तो ग्लूकोज का जो विन्यास दिया जाता है कैपिटल डी, वो इसके बेस पे दिया जाता है। यहां देख रहे हैं अपन कि ग्लूकोज का जो लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन किससे मैच कर रहा है, ये कैपिटल डी वाले से मैच कर रहा है, कैपिटल एल वाले से। तो अपन कह सकते हैं ये कैपिटल डी वाले ग्लिसरेल्डिहाइड से मैच कर रहा है ये ग्लूकोज, इसलिए इस ग्लूकोज का विन्यास क्या लिया अपन ने, कैपिटल डी। ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड जो केमिकली डी ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेटेड होगा, उसका विन्यास भी क्या होगा, कैपिटल डी होगा। कोई भी कंपाउंड जो एल ग्लिसरेल्डिहाइड से कोरिलेट होगा, उसका विन्यास भी क्या होगा, कैपिटल एल होगा। तो ये था अपने पास डीएल नोमेनक्लेचर, जहां से डेवलप होता है, और किसी भी कंपाउंड को डी और एल विन्यास कैसे दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डी ग्लिसरेल्डिहाइड कैपिटल एल ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये डी विन्यास को बताता है, जबकि ये प्लस साइन किसको बताता है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीन ये पेन पॉलराइज लाइट को किधर रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है।